बड़े अजीबो गरीब हैं ये दर्दो गम के रिश्ते, जिसे भी देखिए अपना नजर आता है। पूज्य कैलाश मानव जी ने अपने कुछ सहयोगी हाथों को साथ लेकर दशहरे के शुभ दिन सन 1985 में नारायण सेवा संस्थान का शुभारंभ किया। संस्थान ने प्रारंभ के दिनों में सरकारी चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों के परिजनों को घर घर से इकट्ठा किए आटे से बना भोजन खिलाना शुरू किया। राजस्थान में भारी अकाल को देखते हुए संस्थान द्वारा गांव गांव ढाणी ढाणी निशुल्क असहाय सहायता शिविर लगाए जाने लगे। इन शिविरों में छोटे बालकों बालों को जिन्हें नहाने की आदत नहीं थी, जिनके बालों और शरीर में काफी गंदगी लगी रहती थी, वे मातृशक्ति द्वारा नहलाए जाने लगे, नए नए कपड़े पहनने लगे। असहायों में वस्त्र, बच्चे, वृद्ध महिलाओं, वृद्ध पुरुषों को मक्का, गेहूं व अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री वितरित की जाने लगी। विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों की शिविर स्थल पर ही चिकित्सा होने लगी। दिल तब दहल गया जब एक शिविर में 20 ऐसे बच्चे भी दिखे जो घिसट कर शिविर स्थल तक पहुंचे थे। पता लगा कि इन्हें पोलियो है। किसी तरह इन बच्चों का इलाज मुंबई के वरिष्ठ चिकित्सकों से करवाया गया। जैन राज लोढ़ा साहब, एक समाज सेवी उद्योगपति से कैलाश जी मानव ने प्रार्थना की कि आप श्री मदद करें तो अस्पताल का निर्माण हो सकता है। जैन राज जी लोढ़ा साहब ने तुरंत अपनी सहमति प्रदान कर दी। लोढ़ा जी एवं कुछ सहयोगी हाथों के उपकार से 20 फरवरी 1997 को 51 शय्याओं वाला जैन राज सावंत राज लोढ़ा अस्पताल का निर्माण हुआ, जो अपनी तरह का भारत में पहला अस्पताल था। विभिन्न दानदाताओं के सहयोग से रेंगते बच्चों के कल्याणार्थ आज संस्थान के पास 1100 शय्याओं से सुसज्जित विभिन्न अस्पताल हैं, जहां सैकड़ों रोगियों के प्रतिदिन निशुल्क ऑपरेशन होते हैं। संस्थान द्वारा रोगी एवं साथ आए परिजनों को प्रतिदिन चाय, नाश्ता, दोनों समय का भोजन, आवास सुविधा आदि पूर्णतः निशुल्क प्रदान की जाती है। साथ ही रोगी हेतु ऑपरेशन, दवाई, कैलिपर्स, एक्सरे, सभी प्रकार की जांच, फिजियोथेरेपी आदि सुविधाएं भी निशुल्क प्रदान की जाती हैं। ऑपरेशन के पश्चात संस्थान आपके सहयोग से निशक्त भाई बहनों को हाथ एवं पैर देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ देता है। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश से रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में काम करता था। मेरा रेलवे लाइन क्रॉस करते समय मेरा पैर कट गया था। कई साल मैं बिना पैरों के चला। एक दिन मेरे सर मिले, उन्होंने मुझे नारायण सेवा संस्था में लाया। एक्सीडेंट के बाद मैं एकदम निराश हो गया था। मुझे लगता था कि मैं चल नहीं पाऊँगा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पैर लगा के चल पा रहा हूँ। जो परिवार पर भार हुआ करते थे, आज वे ही परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। संस्थान द्वारा रोजगार प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण एवं कंप्यूटर हार्डवेयर प्रशिक्षण कोर्सेज मुख्य है। मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम प्रकाश वर्मा है। मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं जन्मजात विकलांग हूँ। तो एक्चुअली मैं घूमने के लिए अपने दोस्त के पास दिल्ली आया था। तो दिल्ली में एक सरदार जी थे, उनके पास एक पत्रिका आती थी। उन्होंने बताया, बेटा आप वहाँ चले जाओ नारायण सेवा में, तो आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा, आप कुछ कुशल ज़िंदगी अपनी बिता सकते हो खुद कमा के। तो मेरी बात कुछ समझ में आई। मैं वहाँ से दिल्ली से सीधा उदयपुर आया, तो मैं यहाँ पे रुक गया। फिर ऑपरेशन की डेट दी गई। यहाँ पे सिलाई सिखाई जाती है, मोबाइल सिखाया जाता है, हार्डवेयर सिखाई जाती है, सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। मेरे को सिलाई की समझ में आई, तो मैं सिलाई में गया। इससे मैं आज 100-200 रुपये का डेली काम कर सकता हूँ। निःशुल्क ऑपरेशन के साथ ही आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने हेतु संस्थान द्वारा सुनील को सिलाई प्रशिक्षण एवं इसके उपरांत सिलाई मशीन भी प्रदान करना, मानो जीवन जीने की राह ही मिल गई। मेरे को काम करते हुए अच्छा लग रहा है। मैं 2 पैसे का अब आदमी बन गया हूँ। अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ अच्छी तरीके से।
नारायण सेवा में मैंने प्रशिक्षण करने के बाद जॉब दिलाई एक शीतल यूनिफॉर्म स्टिचिंग नाम से कंपनी है जो पायड़ा में है गणेशपुर में। कल तक मैं कुछ भी नहीं था लेकिन आज नारायण सेवा ने मुझे सब कुछ दे दिया। रोजगार प्राप्त करने के पश्चात जीवन साथी की कमी महसूस होने लगती है। संस्थान द्वारा वर्ष में 2 बार विशाल स्तर पर निशुल्क सामूहिक विकलांग विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें रोजगार प्राप्त निशक्तता से निजात पा चुके युवक युवतियां विवाह कर सुखी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इनकी वजह से आज मेरा जीवन सफल होने जा रहा है। मुझे यहाँ पाकर कंप्यूटर की शिक्षा भी मिल रही है और आज शादी होने जा रही है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे माता पिता साथ में नहीं है लेकिन मेरे को आज कभी महसूस नहीं हो रही कि मेरे माता पिता मेरे पास। आज से कसम खाता हूँ हर कदम पे हर मोड़ पे इनका साथ दूंगा, हर तकलीफ में इनके साथ आगे कदम बढ़ाता रहूंगा। संस्थान द्वारा गंभीर बीमारियों से ग्रसित उन भाई बहनों की मदद की जाती है जिन्हें प्रतिदिन 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है, तो वे इलाज का बड़ा खर्च जो कि 1 लाख से 10 लाख तक होता है का कैसे इंतजाम करें। तिल तिल मृत्यु की ओर जाते हुए संस्थान उन्हें देख नहीं सकता, अतः आप जैसे करुण हृदय सज्जनों की मदद से इनका इलाज निःशुल्क हो पाता है। मध्य प्रदेश मुरैना गांव के मनोज सिंह जो स्वयं विकलांग हैं, अपने 18 माह के बेटे विठल को दिखाने नारायण सेवा संस्थान आए। विकलांग पिता और विकलांग बेटे की वजह से पूरा परिवार अथाह दुखों के समुद्र में डूब गया। विठल के जन्म से ही 4 पैर थे, पैदा हुआ था साथ में इसके। विठल के 4 पांव होना ही गरीब परिवार के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गया। आर्थिक प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करा लो नहीं तो फिर आगे चलके प्रॉब्लम होगी। इस प्रकार का ऑपरेशन किसी बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही हो सकता था जिसमें काफी खर्च लगभग 5 से 8 लाख रुपए होना निश्चित था। अपने बेटे के इस ऑपरेशन के लिए इतना पैसा जुटा पाना उसके लिए कठिन ही नहीं अपितु असंभव था। श्री प्रशांत अग्रवाल ने परिवार की इस पीड़ा को समझा और भारत के नारायण हृदयालय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बैंगलोर से ऑपरेशन करवाने का निश्चय किया गया। लगभग 6 घंटे के कठिन ऑपरेशन के बाद ही अतिरिक्त पैर हटाए गए। इस सर्जरी में 20 डॉक्टरों की टीम ने सहयोग दिया। विठल के ऑपरेशन से उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हैं कि उनका पुत्र सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएगा। ऑपरेशन सफल हुआ, हमारा परिवार बहुत गरीब था, ये ऑपरेशन कभी नहीं करवा पाते। बहुत अच्छा लग रहा है, वो 2 पांव पे खड़ा है, खेल रहा है, ये कपड़े नहीं पहन पाता था, आप कपड़े पहने हैं। बहुत कोटी कोटी धन्यवाद उनको। हमारा विठल अच्छा हो गया, 2 पैर पे वो चल सकता है। मोहम्मद आरिफ मेरा लड़का है और उसको बहुत तकलीफ है, पेशाब टपकता रहता था। मैं बचपन से गीला होता था, ब्लड बस्ट था मेरा। क्या करें, इस बच्चे को फेंक भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारा बच्चा था। मैं बुखार में भी मेरा बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, तबीयत खराब होती है तो फिर छाले पड़ जाते हैं आगे। किसी के वहाँ भी शादी ब्याह में किसी के पास बैठते नहीं, परेशानी इसकी बदबू आती थी, कोई पास बैठाना भी पसंद नहीं करता। फिर बच्चा कहता चले पापा ही हूँ, तो मैं आंखों में आंसू जाते थे और कहता था कि फिर चल दे बेटा तेरी मजबू आ रही होगी। मैं कहता बेटा क्या हुआ तुझे, सर्दी लग रही हो। मतलब जिंदगी एक घेर हो गई थी मेरी। कई दफ़े बोलता था पापा मेरे आगे पेशा बहुत टपकता, क्या करना है यूँ। मैं कहता बेटा तू बड़ा होगा अपना आप बन जाएगा। ये बात भाई ने बनाता बनाता बहुत टाइम तक लाया मैं इसको, इस बच्चे को छुपाए छुपाए फिरते थे, मगर परेशान जी ने इलाज करवा दिया मेरे बच्चे का। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। 14 घंटे का ऑपरेशन था, 7:00 बजे लेके गए थे बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में, 9:30 बजे करीब मुझे बच्चा दिया वापस। इस पूरे ऑपरेशन के अंदर मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा।
मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ एकदम। बहुत ही खुशी हो गई मुझे तो, मतलब मेरा बच्चा चल फिर सकता है, अच्छों में बैठ सकता है, स्कूल जा सकता है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं संस्थान द्वारा संचालित भगवान महावीर निराश्रित बाल गृह द्वारा बिना माता पिता के मासूम अनाथ एवं असहाय बच्चों का लालन पालन बड़े प्यार से किया जाता है। इन बच्चों के आवास, भोजन एवं शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। मैं जब 2 साल का था तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और जब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था तब मैं संस्थान में बाल गृह में आया। उसके बाद से मेरी बीकॉम एमकॉम तक की पढ़ाई संस्थान में रहते हुए, मैंने संस्था से जुड़ते हुए बीकॉम एमकॉम के साथ मैंने सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स किया, बीएड की। उसके बाद मेरी स्कूल में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के रूप में मेरी जॉब लग गई है, और प्रेजेंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल पे। और ये सब मुझे संस्थान में रहने के कारण, संस्थान से जुड़ते हुए ये सब कुछ मिला, और मुझे ये कहते हुए खुशी होती कि मैं संस्थान से जुड़ा रहा, आज मुझे ये मुकाम मिला। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि नारायण सेवा संस्थान लोगों को अपने लिए नहीं औरों के लिए जीना सिखाती है। संस्थान की आवास, भोजन एवं शिक्षा की समुचित व्यवस्था से मंदबुद्धि, प्रज्ञा चक्षु एवं मूक बधिर बच्चे अपने सार्थक एवं सुखद जीवन की आधारशिला रख रहे हैं। संस्थान द्वारा अब तक विभिन्न सेवा कार्य संपादित किए गए हैं। 2,09,829 ऑपरेशन, 1,65,325 कैलिपर वितरण, 2,12,312 बैसाखी वितरण, 1,90,029 तिपहिया साइकिल वितरण, 43,620 श्रवण यंत्र, 2,331 सिलाई मशीन, 26,310 विद्यालय छात्र को बस्ते, 2,14,15,852 औषधि वितरण, 801 विकलांग विवाह। वर्ष 2008 में संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी पूज्य कैलाश मानव जी के उत्कृष्ट सेवा कार्यों को देखते हुए भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। संस्थान को 4 बार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। संस्थान के सेवा कार्य का अवलोकन कर कई गण्यमान्य व्यक्तियों एवं श्री संतों ने भी पीड़ित मानवता की सेवा को सराहा है। आज हम देश पर गर्व करते हैं, मगर कल देश अपने पर गर्व करेगा, उसमें एक नारायण सेवा संस्थान भी होगा। कितना काम, कितना बड़ा काम मैंने अपनी आंखों से देखा। छोटे छोटे बच्चे, और वो बच्चे किसी अमीर के नहीं है, और उनकी सेवा, ये इतने गरीब परिवार से होते हैं, इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए इनके पास किराया का पैसा भी नहीं होता है। गाड़ी स्टेशन पर जाती है, उन बच्चों को लेकर आती है, यहाँ उनका उपचार होता है, उनका खाना पीना रहना सब कुछ निःशुल्क रूप से उनकी व्यवस्था और सेवाएं इस संस्थान के द्वारा दी जाती है। संस्थान को दिए गए दान में 100% धारा 35 के अंतर्गत एवं 50% धारा 80 के अंतर्गत की स्वीकृति भी भारत सरकार द्वारा दी गई है। माना कि भारत सरकार के सफल प्रयास से अब नहीं हो रहे हैं पैदा पोलियो विकलांग, लेकिन जो पोलियो विकलांगता से ग्रसित बच्चे हैं उनका क्या दोष, जो किसी अभाव में आज भी घिसट घिसट कर विकलांगता का जीवन जी रहे हैं। वे अपनी आशाओं के साथ अपने पांव पर खड़ा होने के लिए आपकी तरफ कातर निगाहों से देख रहे हैं। आप 1, 5, 11, 21, 101 या इससे अधिक बच्चों के ऑपरेशन करवाकर बने उनके भाग्य विधाता।